What's up everybody, welcome back to the vlog. और आज हम लोग वापस से एक और अनबॉक्सिंग के साथ आ चुके हैं. जैसे कि रिसेंट मैंने लास्ट वीडियो में शायद से बोला था, मेरा ना कैमरा गिरा था ये वाला, तो उसके डर से वापस से गिरे तो कुछ ना हो, इसलिए मैंने इसके लिए केज ऑर्डर किया. और ये काफ़ी मुझे तो बढ़िया लगा, मैंने सोचा कि एक छोटा सा इसका ना क्विक रिव्यू दे देते हैं. ये रहा अपना ZV-E10 और ये रहा ये बॉक्स, पूरा मेटल का है, थोड़ा भारी सा लग रहा है अभी तो हाथ में, पर अभी खोल के देखना पड़ेगा कैसा है. भाई पैकेजिंग तो बढ़िया दिया है वैसे, बस इतना ही, एक ये अरे पैकेट में दिया है, बस हो गया अपना. काफी टाइम से बस अनबॉक्सिंग ही हम वीडियोस बना रहे हैं, हम लोग कहीं पे जा नहीं रहे, बट ये प्रिपरेशन है, आने वाले टाइम में हम लोग जाएंगे कहीं पे. तो अपना कैमरा जो है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए. ये कुछ ये दे दिया है अपना, क्या बोलते हैं, ये माउंट के लिए दिया है स्क्रू, तो इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे. और ये है अपना मेन चीज़, पैकेजिंग जो भी बोलो, मतलब प्राइस के हिसाब से पैकेजिंग तो लिया है. मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा दिखेगा ये, मतलब मैंने वीडियोस देखा, अब ज़्यादा लोगों ने वीडियोस नहीं डाला है इस पर, कम ही लोगों ने डाला है, बट ये वाला तो अच्छा है. और ये वाला नया वाला है, मैं वीडियोस देखा था, वो जो था ना इधर, ये सीधा था, मैं दिखाता हूँ ये लगाने के बाद, ये सीधा था, ये उनका नया वेरियंट है इस कैमरा के लिए. और अगर आपके हाथ से कैमरा वगैरह गिरता है तो मैं तो बोलूँगा ये लेना चाहिए, बट एक मिनट, ये कुछ नहीं, बस ऐसे ही अंदर जाके प्लेस हो जाता है, ये तो बढ़िया है. और कैमरा काफ़ी हाथ में फील होता है, मतलब बढ़िया लगता है. ऐसे ही ZV-E10 जो है अपना छोटकू सा है, उसके साथ ये मस्त लग रहा है पैर करने के बाद. और ये वाला लगा लेता हूँ, ये एक छोटा सा जो है ये यहाँ पे लगता है, यहाँ पे जो अपना गले में नहीं माउंट होता उस जगह पे लगता है, तो इसको भी मैं फटाफट लगा देता हूँ. मेरे हिसाब से ये जो चीज़ है ना, ये बहुत अच्छा है जब आपका कैमरा जो है ट्रैवल व्रैवल कर रहा हो, और ट्रैवल नहीं भी कर रहा हो ना, फिर भी मेरा तो घर पे रखे रखे गिर गया. मेरे हिसाब से ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि एक सेफ्टी दे देता है, चाहे कुछ भी हो जाए, गिरे हाथ से गिरे हल्का ही, मतलब उस पर ही लगे ना कि किसी और पर लगे. तो ये हमने लगा दिया, और अपने को ये नीचे से स्क्रू कसना है, बस स्क्रू कसने के लिए हमें ये दिया है एक नीचे. पता नहीं ज़्यादा लोगों ने इस केज के बारे में क्यों नहीं बताया, बाहर के यूट्यूबर्स ने काफ़ी बताया, इंडिया में भी है, मतलब काफ़ी कम लोगों ने जिस हिसाब से कैमरा लिया उस हिसाब से केज नहीं लिया. ये देखो केज लगाने के बाद कितना मस्त हो जाता है, हाँ अच्छा दिख रहा. और इतने सारे माउंट दिया गया है ना, वर्टिकल लगाना है वर्टिकल लगाओ, हॉरिजॉन्टल लगाना है हॉरिजॉन्टल लगाओ, उल्टा लगाना है उल्टा नहीं लगेगा, ऊपर उसके लिए अपना लाइट वगैरह लगा सकते हैं. और स्क्रीन भी जो है ना ये अच्छे से घूम रहा है, ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब हल्का सा ही स्पेस है बट ऐसा फ्रीली मूव कर रहा है. ये मस्ट नीडेड है कोई भी कैमरा हो, मेरे हिसाब से कोई भी कैमरा पे ना ये ज़रूरत है मेरे हिसाब से. तो मैंने इसके साथ ना ये भी ऑर्डर किया अपना एल शेप वाला, जो वो नहीं होता यूएसबी केबल, स्ट्रेट वाले में पता है दिक्कत क्या है, स्क्रीन ना आधा ढक जाता है. ये देखो एल वाला मैंने लगाया क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे स्क्रीन पे कभी कभी देखना पड़ता है, तो ये स्क्रीन पूरा जो है हमें मिल जाता है. तो यार ये तो अच्छा लगा, इसका मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस केज का. पता नहीं इसको ढूंढना मुश्किल क्यों है, जैसे आप लिखोगे ना EV10 केज मिलता ही नहीं है, मैं तो बहुत ढूंढने के बाद मिला, पहले आ जाता था अब नहीं आता, पता नहीं इन फ्यूचर आए नहीं आए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ये अप्रॉक्स अपने को पड़ा है 5800 का कुछ पड़ा है, और फ्लक्चुएट होता रहता है 200-300 ऊपर नीचे होता रहता है, जैसा भी हो ये बहुत अच्छा है. कैमरा मेरे से गिरा है भाई, मेरे को पता है कि ये अच्छा है कि नहीं, थोड़ा डर लगता है हर एक चीज़ों में, बट ये अच्छा है भाई. बड़ा लेंस भी लगाओ आगे जाके, ये प्लेट आता है एक नीचे, मैंने देखा था प्लेट लगा के उसको अच्छे से हम लोग जब रखते हैं ना तो ऐसा स्ट्रेट रख देगा, और स्क्रैचेस वगैरह आएगा नहीं, ये बहुत अच्छा है. ये देखो
कोई ऐसा दिक्कत है नहीं, बैटरी भी निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है। तो यस, यही था एक छोटा सा अपना रिव्यू। इन फ्यूचर हम लोग ज़रूर ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल करेंगे तब बहुत काम आएगा। मतलब कहीं पे भी रख दिया हम लोगों ने, कुछ दिक्कत आ गया तो ये केज बचा लेगा। तो चलो, ये छोटा सा रिव्यू था, आप लोग ज़रूर बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों के पास कोई कैमरा है और केज यूज़ करते हो तो ज़रूर बताओ। एंड एक और चीज़ है, मैं सोच रहा हूँ कि इस कैमरा पे ना स्किन लगा लूँ। स्किन थोड़ा बहुत थोड़ा अच्छा दिखता है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं स्किन नेक्स्ट वाले वीडियो में लाऊंगा। स्किन मुझे ज़्यादा पसंद है, दिखने में अच्छा हो जाता है और कुछ नहीं, बट अगर स्किन लगाना है तो जरूर बताओ, स्किन लगाना चाहिए कि नहीं। तो यस, मिलेंगे कौन नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव फन, बाय बाय।